morning everyone. I hope you all are doing great and taking care of your health physically and mentally. So here I am with another vlog after a month or so, and I really missed it. I missed all of you. And for those who are curious about what happened to my eyes, so it's just I had very high power and I thought it's the right time for me to go for LASIK. सो बेसिकली इट्स अ विजन करेक्शन और आई कैन सी सिंपल वर्ड्स. अब मुझे चश्मों की ज़रूरत नहीं है देखने के लिए. आई कैन सी विद माई ओन आईज, विच इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. सो मूविंग ऑन टू स्टडिंग एंड स्टफ, तो आपकी स्टडीज़ कैसे चल रही है, आपका सिलेबस कितना हो गया एंड रिविजन कर रहे हो या नहीं, लेट मी नो. और अब मेरा तो लाइक वन मंथ का पूरा ब्रेक हो गया, तो अब मुझे फिर से सब स्टार्ट करना पड़ेगा. तो आई स्टार्ट विद रिविजन ऑफ एवरी सब्जेक्ट एंड विल प्रैक्टिस मैथ्स एंड रीजनिंग वगैरह. तो मुझे अब फिर से सब चीज़ करनी पड़ेगी. कोई नहीं, हम सब साथ में सब कुछ कर लेंगे. तो मैं आपसे कुछ शेयर करूँगी जो मेरा लाइक ये वन मंथ का जो टाइम था. सो बेसिकली ऑपरेट से पहले मुझे पता चल गया था लाइक मुझे फ़ोन नहीं चलाना, मुझे वन वीक तक तो प्रॉपर रेस्ट करना है. तो मैंने यूट्यूब पर पहले से ही ऑडियो बुक्स डाउनलोड कर ली ताकि मैं रेस्ट करते करते सुन लूँ, बोर ना हो. तो मैंने एक ही गाय की बुक ऑडियो बुक डाउनलोड की थी, तो मुझे उससे बहुत चीज़ें सीखने मिली कि व्हाई यू वांट टू लिव, आपका रीज़न क्या, आपका पैशन क्या है और आप अपना डे कैसे बेटर बना सकते हैं. मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया. मैं सुबह जल्दी उठने लगी, लाइक योगा करने लगी, मेडिटेशन करने लगी, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगी. तो इससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला बुक से. सो बेसिकली आपको क्या करना है, आप भी सुबह जल्दी उठिए. अब समर्स आ गए हैं, आप जल्दी उठ सकते हैं और 6:30 अराउंड आप उठ जाइए एंड हाइड्रेट योर सेल्फ. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई एफर्ट नहीं लगते बट आपकी बॉडी बहुत एक्टिव फील करती है जब आप अच्छा अमाउंट में अपना डेली नीड का पानी पीते हैं. और सुबह आप उठ के अपनी किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए खुद को, लाइक कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ी रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं या फिर योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. ऐसे से आपकी नींद भी खुल जाएगी एंड फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना स्टडी करना. तो ऐसे करके आप अपना डे बहुत अच्छा बना सकते हैं. जब आपकी मॉर्निंग अच्छी जाती है तो आपका पूरा डे अच्छा जाता है. एंड नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट, इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग. बिकॉज ज़्यादा हैवी मत लीजिए एंड अपने आप को 100% फुल भी मत कीजिए, क्योंकि फिर नींद आने लगेगी. तो 80% तक अपना फुल कीजिए खुद को, और अगर अच्छे से खाएंगे तो अच्छे से एनर्जी आएगी और फिर ज़्यादा पढ़ पाओगे. एंड इसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए. आप अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए कि 2 आवर्स मैं ये करूँगा या ये करूँगी, आज मैं GS के इतने सब्जेक्ट करूँगी या आज मैं मैथ्स करूँगी, आज मैं रीजनिंग करूँगी, लाइक ऐसे करके. अब एक चीज़ एक दिन में हम सारी चीज़ें नहीं कर पाते अगर हम अच्छे से करने लगे, तो आप टाइम डिवाइड कर लीजिए कि हम 3 डेज ये करेंगे या 4 डेज ये करेंगे. तो ऐसे करके आप अपना रिविज़न भी करते रहिए साथ साथ और अपने टाइम को डिवाइड करेंगे. जब आप 6:30 भी अगर उठते हैं तो आप देखिए कि आप 9 तक भी अपना 1.5 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं. और चीज़ें आप अपना ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, इस बीच में आप अपना शावर ले सकते हैं और जो चीज़ें होती हैं बेसिक थिंग्स. तो ऐसे करके आप हर थोड़ी दिन में ब्रेक भी लीजिए पर अपना स्टडी करते रहिए. आपका इवनिंग तक देखना 7 to 8 hours अच्छे से हो जाएगा. और जब आप ब्रेक लेंगे तो उसमें कुछ अच्छा सा म्यूज़िक सुनना, मोटिवेशनल जो चीज़ें होती है, लाइक स्क्रोलिंग करने से बहुत टाइम वेस्ट होता है और हमारा माइंड भी गड़बड़ा जाता है. लाइक फिर हमें समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं, क्योंकि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं. सो वो चीज़ें ना ही देखें तो अच्छा. अगर आप सुबह से पढ़ने लगेंगे तो भी आपके 8 to 9 hours इवनिंग में हो जाएगा. और फिर आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, उनके घर के कामों में हेल्प भी कर सकते हैं और यू नो आपके अगर और भी कोई काम है वो भी कर सकते हैं. और अगर आप फ्री हो चुके हैं, लाइक आपको और कोई काम भी नहीं है, तो आप कुछ गेम भी खेल सकते हैं फ़ोन में. नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि आप जैसे बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हैं या कुछ भी फिजिकल गेम्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं. स्पोर्ट्स भी अच्छा होता है, आपको आपका स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है, आपकी बॉडी को भी अच्छा फील होता है. तो आप ये भी चीज़ें कर सकते हैं. एंड लास्टली सोने से पहले फ़ोन मत चलाइए, कुछ भी अच्छी सी कोई बुक रीड कीजिए जो आपको आपके माइंड को काम करे और आपको पॉजिटिव फील हो अगले डे के लिए. ऐसा करके आप अपना आपका डे बहुत अच्छा जाएगा. आप एक बार ट्राई करना ये चीज़ें फॉलो करना, तो आपको यू विल फील ऑसम लिटरली. मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने ये सब चीज़ें करी है तो मुझे लगता था लाइक इट्स गुड. वरना पता है क्या होता है कि हमारा पता नहीं चलता हमारे 2-3 hours कैसे स्क्रोलिंग में, यूट्यूब पे, चीज़ों में चले जाते हैं.
तो इससे अच्छा है कि हम ये अपनी स्टडी भी करें, साथ साथ कुछ अपना गेम वगैरह भी खेलें, और जो आपको पसंद है, लाइक अगर किसी को पेंटिंग करना पसंद है, जो आपका पैशन है, ये नहीं कि हम वो चीज़ें करें जिससे बस हमें यू नो बेनिफिट ही मिले, लाइक हमें हम कमाने लगे उससे, ऐसा कुछ नहीं। जो आपका पैशन है, जो चीज़ आपको अच्छा फील कराती है, आपको फील कराती है दैट यू आर अलाइव, वो चीज़ें कर सकते हैं आप, उसको भी टाइम दे सकते हैं। हमारे पास टाइम बहुत होता है पर हमें पता नहीं चलता हम उस किस तरह से हम उसे खर्च करते हैं, क्योंकि टाइम हमें खर्च कर रहा है। सो ये चीज़ें फॉलो करके देखना, अगर आपको अच्छी लगे तो लेट मी नो। तो मेरा पोहा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है एंड अभी मैं लस्सी में भुना हुआ जीरा डाल रही हूँ, कुछ और मत समझ लेना। ये अपना लंच करना मत भूलना, और फिर मैं लंच करने के बाद आपको फिर स्टडी पे मिलती हूँ। ऑलरेडी है ये डेढ़ घंटा ब्रूक्स का पर मार का वीडियो है, ये मैं रिवाइज कर रही हूँ। एंड मैंने ओशवाल से कुछ बुक्स ऑर्डर की हैं, वो जैसे ही मुझे रिसीव होंगी और मुझे मैं उन्हें रीड करूँगी अच्छे से, तो मैं आपको अगली वीडियो में उसका रिव्यू दूँगी। ओके
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।